हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमारी पहली टेक न्यूज है हुआवी के ऑनर ब्रांड की तरफ से। दोस्तों, इसके दो नए स्मार्टफोन ऑनर 9A और ऑनर 9S इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और इनके प्राइस और स्पेसिफिकेशन सामने आ गए। तो हम पहले बात करते हैं ऑनर 9A की। तो इस स्मार्टफोन में 6.3 इंच का HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले है। इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा की सेटअप है, जिसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का टर्शियरी सेंसर है। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और अगर हम बात करें की, तो ऑनर 9A में मीडियाटेक का MT6762R ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है। चार्जिंग के लिए इसमें माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है और ये स्मार्टफोन रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन में आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है। इसमें ब्लूटूथ, GPS, FM रेडियो, 4G LTE मोड, Wi-Fi जैसे फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों, ये थे ऑनर 9A के स्पेसिफिकेशन। प्राइस के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो अब बात आती है ऑनर 9S की। तो इस स्मार्टफोन में 5.45 इंच का HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले है। इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जो F2.0 लेंस के साथ आता है। सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो F2.2 लेंस के साथ आता है। ऑनर 9S में मीडियाटेक का MT6762R ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। वही प्रोसेसर जो ऑनर 9A में मिलता है, वही प्रोसेसर इसमें भी मिलता है। इस स्मार्टफोन में 3020mAh की बैटरी है। चार्जिंग के लिए इसमें माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है और इस स्मार्टफोन में Wi-Fi, ब्लूटूथ, 4G LTE जैसे फीचर्स दिए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑनर 9A के प्राइस की। तो ऑनर 9A के 64GB वेरिएंट की प्राइस इंडिया में 9999 रुपए है। ऑनर 9S की इसके 32GB वेरिएंट की प्राइस इंडिया में 6499 रुपए है। दोस्तों, अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में से किसी को भी परचेस करना चाहते हैं तो दोनों की सेल 6 अगस्त को होगी, बट टाइमिंग अलग अलग है। ऑनर 9A की सेल 11 बजे से स्टार्ट होगी और ऑनर 9S की सेल 12 बजे से स्टार्ट होगी और ये सेल अमेजन पर स्टार्ट होगी, तो आप वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे ऑनर 9A और ऑनर 9S के स्पेसिफिकेशंस। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लगे। हमारी नेक्स्ट न्यूज है ओप्पो कंपनी की तरफ से। दोस्तों, इसका भी नया स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 4 प्रो इंडिया में लॉन्च हो गया है। इसके भी प्राइसेस और स्पेसिफिकेशन सामने आ गए। ओप्पो रेनो 4 प्रो में 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा के सेटअप मिलते हैं, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जो F1.7 लेंस के साथ आता है, एक 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है और दो मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर और मोनो शूटर दिए गए हैं। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो सोनी के IMX616 सेंसर के साथ आता है। और अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो ओप्पो रेनो 4 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G SoC ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 4000mAh की बैटरी है, जो 65W सुपर वूक 2.0 फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए इसमें USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 3.5mm हेडफोन जैक, ब्लूटूथ, GPS, 4G LTE, Wi-Fi जैसे फीचर्स दिए गए हैं। और अगर हम बात करें ओप्पो रेनो 4 प्रो के प्राइस की, तो इंडिया में इसके 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइस 34,990 रुपए है। ये स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन के साथ आता है, स्टेरी नाइट और सिल्की व्हाइट। और अगर इस स्मार्टफोन के सेल की बात करें, तो इस स्मार्टफोन की सेल 5 अगस्त को अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम मॉल पर स्टार्ट होगी, तो आप अगर इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप वहां से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे ओप्पो का नया स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 4 प्रो के स्पेसिफिकेशन और प्राइसेस। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज है गूगल कंपनी तरफ से। दोस्तों, इसका भी नया स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 4a 3 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन टीज हुए हैं। इस स्मार्टफोन में होल पंच टाइप डिस्प्ले होगा और इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730 SoC ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इस स्मार्टफोन में आपको 18W फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे गूगल पिक्सल 4a के कुछ टीज हुए स्पेसिफिकेशन। और जैसे कुछ भी सामने आता है इस स्मार्टफोन के बारे में, तो मैं आपको बताता हूं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है Xiaomi के Redmi बैंक तरफ से। दोस्तों, इसका नया स्मार्टफोन Redmi 9 Prime है और इसके लॉन्च डेट सामने आ गई है। ये स्मार्टफोन 4 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। इसके स्पेसिफिकेशन तो सामने नहीं आए हैं, बट ये टीज हुआ है कि इस स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई। जैसे और कुछ सामने आता है Redmi 9 Prime के बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे नेक्स्ट न्यूज है टेक्नो कंपनी की तरफ से। दोस्तों, इसका नया स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 6 एयर इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस और प्राइसेस सामने आ गए हैं। तो इस स्मार्टफोन में 7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले है। इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा के सेटअप मिलते हैं, जिसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जो F1.8 लेंस के साथ आता है, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो F2.0 लेंस के साथ आता है। और अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो टेक्नो स्पार्क 6 एयर में मीडियाटेक का हीलियो A22 SoC क्वाड कोर प्रोसेसर है। इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी है। चार्जिंग के लिए इसमें माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। इसमें आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलते हैं और इसके माइक्रो SD कार्ड स्लॉट में आप 1
टीबी तक की स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। इसमें बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में 4G LTE डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें टेक्नो स्पार्क 6 एयर के प्राइस की, तो इंडिया में इसके 2GB रैम प्लस 32GB वेरिएंट की प्राइस 7,999 रुपए है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन 6 अगस्त को अमेजन पर सेल होगा, तो आप इसे वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये थे टेक्नो स्पार्क 6 एयर के स्पेसिफिकेशंस। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज है रियलमी ब्रांड की तरफ से। दोस्तों इसका नया स्मार्टफोन रियलमी V5 है। इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन टीज हुए हैं। रियलमी V5 में एक 7nm पर बेस्ड 5G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, बट इसके प्रोसेसर की तो अभी कोई भी न्यूज नहीं आई है कि इसमें कौन सा प्रोसेसर दिया जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जो 30W डार्ट फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों ये थे रियलमी के नए स्मार्टफोन रियलमी V5 के कुछ टीज हुए स्पेसिफिकेशन, और जैसे कुछ भी डिटेल सामने आती है इस स्मार्टफोन के बारे में तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज होती है इसमें आप वीडियो कैसे लगी कमेंट करना मत भूलना, और हमारे चैनल टेक्नल टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।